हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए हाई प्रोटीन, फाइबर और हाईली न्यूट्रिशियस वेजिटेबल दाल खिचड़ी लेकर आई हूँ, जो इतनी टेस्टी होगी जिसे बड़े तो बड़े बच्चे भी उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप राइस। ये मेजरमेंट कप हाफ कप का है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है, बट टोटल आपको 1 फुल कप लेना है। हाफ कप तुअर दाल, 1/4 कप चना दाल, 1/4 कप मसूर दाल। सबको अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 बार धो लिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ कुछ करी पत्ते, 1 हरी मिर्च, 1 बड़ा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा अदरक और 4 से 5 कली लहसुन की। यहाँ हमने प्रेशर कुकर रख दिया है। अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर हम ऐड करेंगे कुछ गर्म मसाले। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 तेज़पत्ता, 1 फूल और 1 लौंग। एक चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई। राई जब अच्छे से चटकने लगेगी तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 हरी मिर्ची, कुछ कड़ी पत्ते, और मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन को अच्छे से कूट लिया है और अब मैं उसको डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप बाज़ार का जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऐड कर रही हूँ लंबे कटे हुए प्याज। अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे और प्याज के हल्के ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। ये देखिए, प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाला। अब सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। मसालों के भुन जाने पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 कटे टमाटर। ये देखिए, टमाटर भी अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप हरे मटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सब्जियाँ, 1 कट किया हुआ आलू, 1 शिमला मिर्च, 1 कटी हुई गाजर। सारी सब्जियों को अच्छे से चला लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे धोए हुए चावल और दाल। अब इसमें पानी ऐड करना है। मैं यहाँ पर 2 इंच से ज़्यादा पानी ले रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा लिक्विड चाहिए है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं पानी ऐड, लेकिन मैं यहाँ पर मीडियम कंसिस्टेंसी का बना रही हूँ, ना ज़्यादा लिक्विड ना ज़्यादा थिक। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 कटा हुआ नींबू, 4 से 5 सीटी आने तक पकाना है। 4 से 5 सीटी इसलिए क्योंकि हमने इसमें मसूर और चने की दाल भी ऐड की है, इसे थोड़ा सा टाइम लगता है पकने के लिए। चलिए, हमारा कुकर ठंडा हो गया है। अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा कटा हुआ धनिया और हमारी दाल खिचड़ी बनके रेडी। ये देखिए, हमारी वेजिटेबल दाल खिचड़ी बनके हो गई है तैयार। अब इसमें डालिए गर्मा गर्म घी और खाइए। ये बहुत यमी होती है, इसे बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। इसमें हमने 3 तरीके की दाल और वेजिटेबल ऐड किए हैं। ये बहुत हेल्दी मील है, इसे आप ज़रूर अपने बच्चों की डाइट में इंक्लूड कीजिए। आप भी इसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।